गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ कॉन्सेप्ट जो कि हमारी विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग में यूज़ होते हैं। तो कल जो हमने डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया था ऑब्जेक्ट्स और क्लास के बारे में। तो आइए एक बार रिविज़न कर लेते हैं। क्लासेस जो होती हैं वह हमारा एक ग्रुप होता है, जैसे कि आप समझिए कि कॉलेज हमारी क्लास है तो फैकल्टीज़ हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं उसके, तो फैकल्टीज़ हमारे ऑब्जेक्ट हैं उसके। या एक फ्रूट क्लास है और बनाना, एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स, ये सारे उसके ऑब्जेक्ट हैं। यानी कि और क्लास जो है वह अपने क्लासेस के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनका बिहेवियर सेम रहता है अपनी क्लास के बिहेवियर के। ठीक, तो हमने कल ऑब्जेक्ट में किस तरीके से ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं रन टाइम पर और कंपाइल टाइम, डिज़ाइन टाइम पर, वो हमने डिस्कस किया था। आज हम एक न्यू टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें, जिसका नाम है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन आपने पढ़ा होगा C++ प्रोग्रामिंग में, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब होता है रैपिंग अप ऑफ डाटा इन अ यूनिट। ठीक है, यानी कि किसी भी डाटा को रैप करना, किसी भी डाटा को रैप करना, यानी कि उसमें इंटरनल वर्किंग हो रही है बट हमें एक्सटर्नल वर्किंग का पता नहीं है। ठीक, इस तरीके से बाइक का एग्जांपल ले लेते हैं। बाइक में क्या होता है कि हमें किक माननी होती है लेकिन हमें उसकी इंटरनल वर्किंग क्या है उसका पता नहीं है, बस हमें इतना पता होता है कि हमारी बाइक जो है वह स्टार्ट हो गई। यानी कि इट इज़ नथिंग मोर देन कंबाइनिंग डेटा एंड बिहेवियर इन वन पैकेज, इट इज़ ऑल्सो वर्क एज प्रोटेक्टेड रैपर। यानी कि यह कंबाइन करता है डेटा और बिहेवियर को एक सिंगल पैकेज में, इट ऑल्सो वर्क एज प्रोटेक्टेड रैपर, और यह एक प्रोटेक्टेड रैपर का टास्क परफॉर्म करता है। डेटा इन ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज इंस्टांस वेरिएबल। ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं डेटा के अंदर उनको हम इंस्टांस वेरिएबल कहते हैं। एंड फंक्शन एंड प्रोसीजर्स आर नोन एज मेथड, और फंक्शंस और प्रोसीजर्स जो होते हैं उनको हम मेथड्स कहते हैं इनकैप्सुलेशन में। दीज इंस्टांस वेरिएबल आर नॉट डायरेक्टली एक्सेस, यह जो इंस्टांस वेरिएबल हैं इनको डायरेक्टली एक्सेस की परमिशन विजुअल बेसिक हमें नहीं देता या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमें नहीं देती। द प्रोग्राम आर एग्जिस्ट ओनली थ्रू ऑब्जेक्ट, यानी कि प्रोग्राम में हमें अगर इन इंस्टांसिस वेरिएबल को डायरेक्टली एक्सेस करना होता है तो हमें ऑब्जेक्ट्स के थ्रू इसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। विजुअल बेसिक फुली सपोर्ट इनकैप्सुलेशन। विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह इसको फुली सपोर्ट करती है, यानी कि इनकैप्सुलेशन is fully supported by the Visual Basic। तो यह था हमारा इनकैप्सुलेशन का। आगे हम चलते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है, जैसे कि हम अपना फैमिली का एग्जांपल लें कि हमारे ग्रैंडफादर जो हैं वह उनके चाइल्ड जो हैं वो हमारे फादर हैं, तो ये हो गया हमारा सिंगल इनहेरिटेंस। देन अगर हमारे फादर्स के जो सन हैं, बेटे हैं, वो हम हैं, तो हम ग्रैंडफादर के लिए ग्रैंड चाइल्ड हो गए, तो यह हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो जाता है। अब देखते हैं व्हेन सब क्लासेस रिक्वायर्स द फीचर्स ऑफ बेस क्लास, यानी कि जो सब क्लासेस होती हैं उनको यह रिक्वायर होता है कि वे अपनी बेस क्लास की प्रॉपर्टीज़ को और बिहेवियर्स को इनहेरिट करें, यानी कि अपनी बेस क्लास जो होती हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वह डेराइव्ड क्लास चाहती है कि हम उनको एक्सेस करें या उनको इनहेरिट करें। इफ़ वंस अ क्लास इज़ एबल टू रिक्वायर द फीचर्स ऑफ मोर देन वन क्लास, अगर कोई क्लास एबल है मोर देन वन क्लास को एक्सेस करने के लिए, मोर देन वन क्लासेस को एक्सेस के लिए, यानी कि सिंगल बेस क्लास इज़ एबल टू एक्सेस मल्टीपल बेस क्लास, देन इट इज़ नोन एज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। यानी कि जो बेस क्लास है अगर वो एबल है कि वह अपनी एक से ज़्यादा बेस क्लास को एक्सेस कर सके या इनहेरिट कर सके तो वह इनहेरिटेंस हमारी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस
कहलाती है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम दूसरी तरफ देखें तो इफ़ अ सब क्लास इज़ नॉट एबल टू इनहेरिटेड द फीचर ऑफ मोर देन वन क्लास, यानी कि सब क्लास जो है वह एबल नहीं है, वो एबल नहीं है एक से ज़्यादा क्लास को इनहेरिट करने के लिए, तो वह इनहेरिटेंस हमारी सिंगल लेवल इनहेरिटेंस कहलाती है। तो वह हमारी सिंगल लेवल इनहेरिटेंस कहलाती है। विजुअल बेसिक डज नॉट सपोर्ट द फीचर ऑफ इनहेरिटेंस। विजुअल बेसिक जो है यह इनहेरिटेंस के फीचर को सपोर्ट नहीं करती। हाउएवर ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑन द टूल बॉक्स आर डराइव्ड फ्रॉम क्लासेस लाइक फॉर्म, कमांड बटन, टेक्स्ट बॉक्स एक्सेट्रा। क्योंकि यहाँ पर देखें आप कि ऑब्जेक्ट होते हैं टूल बॉक्स में, वह डराइव्ड करे जाते हैं क्लास से, जिनका नाम फॉर्म, कमांड बटन, टेक्स्ट बॉक्स एट्सेट्रा। यानी कि यह आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इनहेरिटेंस। तो भले ही यह सपोर्ट विजुअल बेसिक में नहीं करता, लेकिन वह आपसे ऊप्स का यह कॉन्सेप्ट एग्जाम में एज अ शॉर्ट नोट पूछ सकता है। देन अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का क्या मतलब होता है कि पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है हमारा, यह पॉली का मतलब होता है मैनी और फॉर्म्स का मतलब होता है बिहेवियर। यानी कि पॉली का मतलब मैनी और जो हमारा मॉर्फिज्म का मीन्स होता है बिहेवियर एंड प्रोसीजर्स। तो एक से ज़्यादा जगह डिफाइन करना, ज़्यादा जगह उसकी अलग अलग वर्किंग को डिफाइन करना, ये हमारा पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स वन थिंग मैनी यूजेस। पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स वन थिंग मैनी यूजेस, मतलब एक चीज़ के एक से ज़्यादा यूज़ होना। इट डिफरेंट फंक्शन हैव सम सेम बट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट, दैट इज़ नोन एज ओवरलोडिंग। अगर कई फंक्शन हैं डिफरेंट हैं, जो उनकी सेम नेम होते हैं लेकिन उनका आर्ग्यूमेंट डिफरेंट होते हैं, तो इसलिए उनको ओवरलोडिंग कहती हैं। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग में क्या होता है हमारा, कि हमारा प्लस ऑपरेटर जो होता है वह हमारा एज आ नंबर्स को एडिशन करने के लिए भी यूज़ किया जाता है हमारा, एज आ इंक्रीमेंट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है हमारा, और देखें तो वह हमारा स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो यानी कि रीयूजिबिलिटी इसका मेन कॉन्सेप्ट, मेन मोटिव होता है। अगर हम कहें तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो है वह पॉलीमॉर्फिज्म की कैटेगरी में आता है। अब हम बात करते हैं एंड सेम आर्ग्यूमेंट, देन इट इज़ नोन एज ओवरराइडिंग। और अगर सेम आर्ग्यूमेंट होता है और वैसे कई जगह यूज़ हो रहा हो, तो उसको हम ओवरराइडिंग कहते हैं। बट जिस तरीके से इनहेरिटेंस को विजुअल बेसिक सपोर्ट नहीं करता, उसी तरीके से पॉलीमॉर्फिज्म को भी विजुअल बेसिक सपोर्ट नहीं करता। यानी कि अगर मेन हम कहें तो विजुअल बेसिक ओनली सपोर्ट क्लास एंड ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट एंड ऑल्सो सपोर्ट इनकैप्सुलेशन कॉन्सेप्ट। ठीक, तो ये हमने समझा पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। अब हम देखते हैं एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन के बारे में हम क्या समझते हैं, ये देखते हैं। इफ़ एक्चुअल फीचर्स ऑफ एनी फंक्शन, अगर किसी फंक्शन के एक्चुअल फीचर्स जो होते हैं सेम क्लास में, जो कि हाइड कर दिए जाते हैं, यानी किसी चीज़ के एक्चुअल फंक्शन जो कि हाइड कर दिए गए हैं, द फीचर ऑफ दिस फंक्शन आर डिफाइंड समवेयर एल्स आउटसाइड द प्रोग्राम, लेकिन उसके फीचर प्रोग्राम में आउटसाइड डिफाइन किए गए होते हैं, तो उस प्रोसेस को हम एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। ठीक, यानी कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन मिलके कॉन्सेप्ट होता है। तो यह वही चीज़ है कि हमें जो है उसकी किसी भी, जैसे वॉच है, वॉच का क्या है, वो हमें उसकी जो सुई है उनका टाइम बता रही हैं, लेकिन उसकी इंटरनल वर्किंग का हमें पता नहीं है। बस उसका क्या है कि हमें उसकी जो फीचर्स हैं, जो सुइयां हैं कि एक मिनट की होती है, एक सेकंड की, ठीक, एक आर की, तो वह हमें बस यह डिफाइन कर देती हैं उसका फीचर, कि इसका काम समय को बताना है। ठीक, तो विजुअल बेसिक जो है वह इनकैप्सुलेशन और पॉलीमॉर्फिज्म की तरह विजुअल बेसिक को सपोर्ट नहीं करता, बट ये ऊप्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। ये एब्स्ट्रैक्शन रहा,
और पॉलीमॉर्फिज्म रहा, इनहेरिटेंस रहा, ये आपसे एग्ज़ाम में वह एज अ शॉर्ट नोट पूछ सकता है। बट आपको ये ध्यान रखना है कि इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन, यह हमारा विजुअल बेसिक जो है वह सपोर्ट नहीं करती। अब इनकैप्सुलेशन के बारे में समझा। इनकैप्सुलेशन क्या है? एक सपोर्टेड कॉन्सेप्ट या मेथड बोल सकते हैं इसको, जो कि हमारा विजुअल बेसिक सपोर्ट करता है। इट इज़ नथिंग, इसमें क्या है कि हम डाटा और बिहेवियर्स को सिंगल पैकेट में रखते हैं और मेथड्स और प्रोसीजर्स जो होते हैं हमारे उनको हम वो सॉरी प्रोसीजर्स और फंक्शंस जो होते हैं हमारे उनको हम मेथड कहते हैं, और डेटा में जो ऑब्जेक्ट होता है हमारा उसको हम इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं। ये हमारा क्या होता है, इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट होता है। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। इसमें ऑब्जेक्ट जो है उसको हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने पर हमें यह पता चलता है कि ऑब्जेक्ट को हम दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ टूल बॉक्स एंड हम क्या करते हैं मॉड्यूल ऑप्शन पर जाकर, मॉड्यूल ऑप्शन पर जाकर प्रोजेक्ट मेन्यू में क्रिएट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट रन टाइम पर। किस तरीके से, ये आपको एज अ टाइम ऑफ प्रोग्रामिंग पता चलेगा कि किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। क्लासेस का कॉन्सेप्ट ये है कि क्लासेस जो होती हैं उसमें हम क्लास क्रिएट करते हैं और उसको एंड से टर्मिनेट करते हैं क्लास को। अब आप देखें यहाँ पर क्लासेस का कॉन्सेप्ट हमने कल पढ़ा था, उसमें क्या था कि यह क्लासेस जो होती हैं यह इंस्टांस होती हैं। यह इंस्टांस क्लासेस को हम इंस्टांस कर सकते हैं। अगर हम किसी भी समय क्लास को क्रिएट करना चाह रहे हैं तो क्लास को हम क्रिएट करते हैं मॉड्यूल, जो इसमें भी प्रोजेक्ट हमारा प्रोजेक्ट मेन्यू में मॉड्यूल अवेलेबल होता है जिसके थ्रू हम क्लास को क्रिएट कर सकते हैं। एंड इसमें भी मॉड्यूल में जब हम करते हैं तो हमारे दो लिस्ट बॉक्सेस आ जाते हैं। फर्स्ट लिस्ट बॉक्स आ जाता है हमारा, इसमें हमारा फर्स्ट लिस्ट बॉक्स आ जाता है, उसमें हमारा इंक्लूड और जनरल ऑप्शन अवेलेबल होता है। सेकेंड में हम किस तरीके से इनिशियलाइज कर रहे हैं और टर्मिनेट कर रहे हैं, यह चीज़ अवेलेबल होती है। या आप देखिए हमारा क्लास का प्रोग्राम है, किस तरीके से हमने क्लास क्रिएट की यहाँ पर। तो आई होप आपको ऊप्स के कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आए हैं। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।